लिए हाथ तक सबको गिनता है। दोपहर में इन दिनों सावन का माह चल रहा है और लगातार कांवड़िया श्रद्धालु देश के अलग अलग कोनों से भागलपुर के सुल्तानगंज के उत्तरवाहिनी गंगा तट पर गंगा स्नान कर अपने कांवड़ में गंगा जल भर कर बाबा बैजनाथ धाम को रवाना हो रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं धांधी बिलाड़ी में और हम आपको यह सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से कांवड़िया श्रद्धालु धांधी बिलाड़ी कच्ची कांवड़िया पथ से होते हुए गुजर रहे हैं और कांवड़िया श्रद्धालुओं की गिनती के लिए यहाँ पर देख सकते हैं पीपल ई काउंटिंग मशीन लगाया गया है, जिससे जो श्रद्धालु इस होकर गुजरते हैं उनकी संख्या का पता चलता है और यह संख्या लगातार जो यहाँ पर जिस गिनती के लिए जिस संस्था को जिम्मेवारी दी गई है उनके द्वारा भागलपुर जिला प्रशासन और कटोरिया यानी बाग देवगढ़ जिला प्रशासन को इसकी जानकारी दी जाती है कि इस घंटे कितने कांवड़िया श्रद्धालु यहाँ से होकर गुजरे हैं। हमारे साथ जो ये पूरी व्यवस्था देखते हैं वे हैं, क्या नाम हुआ आपका? साहिल सिंह। साहिल जी, क्या मशीन है और कैसे ये काम करता है? सर, ये पीपल ई काउंटिंग मशीन है, जिससे जो भी कांवड़िया इधर से जाते हैं उनके हार्ट बीट को ये काउंट करके इसकी गिनती देता है, जिसको हम लोग सुल्तानगंज प्रशासन को और देवघर प्रशासन को भेजते रहते हैं हर घंटे, जिससे उन्हें ये पता चले कि कांवड़ियों का भीड़ कितना हो रहा है। तो अभी तक यदि बात करें तो अभी तक कितने कांवड़िया श्रद्धालु, पिछले 4 तारीख से यह स्टार्ट हुआ है मेला, अब तक कितना श्रद्धालु जा चुके हैं? सर अप्रॉक्स 1,30,000 के करीब जा चुके हैं। और बात कब से श्रद्धालुओं की संख्या कब से बढ़ने लगी है? सर, परसों से बढ़ना शुरू हुआ है। सर, 7 तारीख से बढ़ना शुरू हुआ है। सर, 7 को सर 23,000 के करीब गए थे, कल सर 41,000 के करीब गए थे और अभी सर 11 बजे के करीब में 26,000 से ऊपर चले जा चुके हैं। सर, यानी आज संख्या बढ़ेगी और लगभग 60,000-70,000 जरूर? जी सर, उम्मीद तो वही लग रहा है। सर, जिस तरह से भीड़ है उससे लग रहा है कि 60,000-70,000 के करीब आ जाएंगे। ये मशीन लगने से कितना आसान हो गया है बिहार और झारखंड प्रशासन के लिए गिनती कर पाना? सर, गिनती से ज़्यादा सर जरूरी है। सर, इस मशीन के लगने से फ़ायदा ये हुआ है सर कि देवघर प्रशासन को और अपने भागलपुर प्रशासन को यहाँ से लेकर के जो 100 किलोमीटर का सर उसमें उन्हें ये पता रहता है कि भीड़ कितना आ रही है, तो उस हिसाब से वो लोग अपना व्यवस्था बनाने में उनको सुविधा होता है। सर, और क्या क्या चीज़ आपकी संस्था के द्वारा लगाई गई है? सर, हमारी संस्था ने यहाँ पे पूरे भागलपुर जिला में, मुंगेर जिला में और बांका जिला में CCTV कैमरा लगाया है, ई पीपल काउंटिंग मशीन लगाया है, उसके बाद हम लोगों का सर LED बॉल है, ये हम लोग मेरी संस्था ने। ई पीपल काउंटिंग मशीन कहाँ कहाँ लगाया गया? सर, ई पीपल काउंटिंग मशीन धानी बिलाड़ी जो कि आप अभी देख रहे हैं और एक हम लोगों ने कटोरिया में बांका डिस्ट्रिक्ट में लगाया है। सर, तो इस तरह साहिल सिंह जी थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से ई काउंटिंग मशीन कार्य करता है, कि किस तरह से कांवड़िया श्रद्धालुओं के हार्ट बीट से उनकी गिनती होती है। और फिर से एक बार हम आपको ऐसी तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से कांवड़िया श्रद्धालु ये ई काउंटिंग मशीन जो है पीपल ई काउंटिंग मशीन से होकर गुजरते हैं और उसके बाद उनके धर करके जो मशीन है वो बताता है कि अब तक कितने कांवड़िया श्रद्धालु इस रास्ते से होकर गुजरे हैं।